सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू फन वन। तो आज हम अमंग अस गेम का एक करेक्टर बनाने वाले हैं इन वेरी इजी वे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मैंने रफ स्केच बना के रखा हुआ है, अब एक और बनाऊंगा आपके सामने। तो इसको बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये आप रफ बनाएं, स्केच स्केल विस्केल की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ऊपर का हेड बनाना थोड़ा मुश्किल है, मुझसे भी सही नहीं मिला, इधर मिस्टेक हो गई। तो मैं जब काटूंगा तो ये मिस्टेक सही कर दूँगा। तो आप भी देखकर बनाएं, ये थोड़ा मुश्किल है। तो दो ऐसे बनाने हैं ताकि एक आप अमंग अस का करेक्टर बना सकें। अब इन दोनों को काटना है, तो मैं काटने के बाद मिलता हूँ। अब मैंने इन दोनों को काट लिया है, तो काटने के बाद ये दोनों कुछ ऐसे लग रहे हैं पीछे से। अब हमें स्केल की हेल्प से एक स्टेप बनानी होगी। तो फोर सेंटीमीटर की है चौड़ाई में और लंबाई में। और लंबाई में ये 16 सेंटीमीटर की है, देख लें, ये ऊपर 4 सेंटीमीटर और लंबाई में 16 सेंटीमीटर। अब मैं इसको काट रहा हूँ, तो मैंने इसको काट लिया है। अब ये तीनों चीज़ें ऐसे लग रही हैं। अब इन दोनों को मैं इन कंप्यूटर के ऊपर रख के डिस्टेक कर दूँगा। अब इन दोनों को ट्रेस करना है कंप्यूटर पेपर पे। अब इन दोनों को ट्रेस करना है, मैंने एक ट्रेस कर लिया ऐसा लग रहा है, अब मैं दूसरा ट्रेस करूँगा। अब मैंने इन दोनों को ट्रेस कर लिया है, अब मैं कंप्यूटर पेपर को काटूँगा। मैंने इन दोनों को कट कर लिया है, अब मैं इन दोनों को इन पे स्टिक कर दूँगा। आप अपनी पसंद का कोई भी कंप्यूटर पेपर इसके ऊपर चिपका सकते हैं, लेकिन मुझे ग्रीन कलर पसंद है इसलिए मैं ग्रीन कलर चिपका रहा हूँ। आपको रेड पसंद है, पिंक पसंद है, तो आप कोई सा भी इसके ऊपर चिपका सकते हैं, या तो आप कलर करना चाहते हैं तो कलर भी कर सकते हैं। तो अब मैंने इन दोनों को चिपका दिया है ग्लू गन से। तो आपको इस जो ये आपने काटा था इसके ऊपर भी कंप्यूटर पेपर स्टिक करना है। अब इसको इस कंप्यूटर पेपर उसके ऊपर ऐसे चिपका दें। तो अब मैंने इसको इस कंप्यूटर पेपर को स्टिक कर लिया है ग्लू गन से। अब हमें इस स्टिक को ऐसे मोड़ना है थोड़ा सा, ताकि ये जो है ऐसे इसको स्टिक कर सकें। अब मैं इसको ऐसे लगा के ताकि स्टिक कर सकें। तो अभी मैं इसको स्टिक कर कराता हूँ। तो मैंने ये स्टिक कर लिया है, अब ये दूसरा वाला स्टिक कर लिया। तो मैं स्टिक करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो मैंने इन दोनों को स्टिक कर लिया है, तो ये अब ऐसा दिख रहा है। तो अब हमें एक ओवल शेप बनाना है। बिल्कुल है। और अब हमें इसके ऊपर लगा के देखना है कि सही है। तो मेरे ख्याल से ये सही लगेगा। तो अब मैं इसको कट कर लूँगा। अब आपको एक पतली सी स्ट्रिप भी काटनी है, बहुत पतली, और इसलिए काटनी है
साइड में इसको ऐसे करके लगाना है ताकि ये थोड़ा ऊपर लग सके, ताकि अच्छा लगे। इसको इसलिए काटनी है ताकि इसको ऊपर करके लगाया जाए ऐसे। सो ये मैंने स्टिक कर लिया है, ऐसा लग रहा है। इसको ना इसको यहाँ पर लगाना है, ऐसे स्टिक कर स्टिक करना है ग्लू गन से। तो अभी ये मैंने स्टिक कर लिया है तो ऐसा लग रहा है। अब हमें एक स्ट्रिप काटनी है और इधर लगानी है ऐसे स्टिक कर दिए। अब हम इसका हेड बना रहे हैं, तो बलून वाला हेड बना रहा हूँ मैं। तो इस पर मैं एक बलून ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये मैंने बलून ड्रॉ कर लिया, अब मैं इसको कट करता हूँ। तो अभी ये बन गया है, अब मैं इसकी थ्रेड बनाऊँगा, धागा बनाऊँगा। तो अब इसकी थ्रेड के लिए मैंने एक ये स्ट्रिप काटी है, इस पर ब्लैक कलर कर रहा हूँ मैं। सो मैंने ये बलून बना लिया है, अब मैं इसके ये जो मैंने बनाया है अमंग अस का करेक्टर इसके पीछे ऐसे चिपका दूँगा। तो ये रेडी हो चुका है, बहुत अच्छा लग रहा है।